रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध। एक समय पे यह जो युद्ध था वो दो देशों के बीच हो रहा था, लेकिन करंट टाइम में ये युद्ध अब धीरे धीरे रशिया वर्सेस यूरोप बनता जा रहा है, और रशिया वर्सेस यूरोप के युद्ध अब धीरे धीरे नाटो वर्सेस रशिया बन रहा है, और ये युद्ध अब कैसे कैसे वर्ल्ड वॉर 3 के नज़दीक आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। और आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, रशिया ने 3 देशों पर हमला करने की बात की है बहुत जल्द, और क्यों करेगा रशिया हमला, और क्या बन रहे हैं सिनेरियो पूरे यूरोप में, आइए जानते हैं। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा भीषण युद्ध के कारण नाटो देश के साथ भी रूस का तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने लड़ाई तेज कर दी है और वो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करके उन पर भी कब्जा करना चाहता है। यही नहीं, रूस स्वीडन के कुछ इलाकों को भी हथियाना चाहता है। दरअसल नाटो में शामिल होने को लेकर पुतिन ने स्वीडन को धमकी दे चुके हैं, यह खुलासा एक रूस के अधिकारी ने किया। इस अधिकारी ने पुतिन के इरादों का खुलासा पूरी दुनिया में करते हुए बताया कि नाटो संगठन ने पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक भेजे हैं जो रूसी सीमा के पास सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसके चलते यह आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इन बाल्टिक देशों पर हमला करके इन्हें कब्जा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जो नाटो कंट्रीज हैं वो क्यों भाई रशिया के बॉर्डर पे आके आप अभ्यास कर रहे हो। अब रशिया सीरियसली कह रहा है, देखो भाई, अगर आप इस तरह मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तो हमला कर दूंगा। अब बाल्टिक देश किसे कहा जाता है ये थोड़ा समझिएगा। बाल्टिक देश उन क्षेत्रों को कहते हैं जिन्हें अभी हाल ही में पहले वर्ल्ड वॉर के समय स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय 3 देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया बहुत छोटे छोटे देश थे, कोई भी इन पर आकर हमला कर सकता था। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ के साथ जुड़ गए और उस समय वह सोवियत संघ का हिस्सा बन गए थे। इससे पहले ये तीनों देश स्वतंत्र थे। जब 19 की दशक की शुरुआत हुई तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब सोवियत संघ टूट गया। उसके बाद से फिर ये देश आज़ाद हो गए। यह 3 बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया स्वतंत्र होने के बाद नाटो संगठन में जाके मिल जाते हैं। रूसी अधिकारी कोरोचेको ने पुतिन की मंशा को बताते हुए कहा कि कैसे बाल्टिक देशों पर कब्जा कुछ इस तरह से किया जा सकता है। रूसी अधिकारी ने एक मैप दिखाया जिसमें नाटो सेना की तैनाती साफ दिख रही है। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे रूस इन नाटो देशों पर हमला की रणनीति पर काम कर रहा है। नाटो की इस बढ़ती हरकत को देखते हुए पहली बार दोस्तों रूस ने लिथुआनिया के बॉर्डर के अंदर अपना सबसे बेहद खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर भेजा। वहीं एस्टोनिया ने कहा कि उसने हेलीकॉप्टर की घुसपैठ का विरोध जताने के लिए रूस के राजदूत को तलब किया है। वैसे रूस इस इलाके में काफ़ी सक्रिय है, मैं बता दूं, उसने यहाँ अपने सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल हमले का भी अभ्यास किया है, और ये कोई नॉर्मल मिसाइल वगैरह भैया मत समझिएगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 वाला न्यूक्लियर मिसाइल है। तो क्या दोस्तों, अब ये जो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर है धीरे धीरे नाटो वर्सेस रशिया वॉर बन रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखिए, मेरे हिसाब से देखें तो देखिए, जो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये तीनों ही देश नाटो कंट्री है, अगर कल को गलती से भी रशिया इन पे वॉर कर देता है तो ये नाटो के ऊपर हमला होगा, और नाटो वर्सेस रशिया इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि एंड ऑफ यूरोप, एंड ऑफ रशिया, नहीं, इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड। इसमें भारत भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, चीन भी जाएगा, US भी जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगा। और आज की डेट में दुनिया में ऐसे हथियार हैं जो कि पूरी दुनिया को साफ करने का दम रखते हैं, दुनिया की सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती है। तो इस जंग को लेके दोस्तों दोनों पक्ष में से किसी को तो यहाँ पे समझदारी दिखानी होगी, चाहे वो नाटो दिखा ले या रशिया दिखा ले। अगर किसी ने समझदारी नहीं दिखाई तो दिस इज द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों ये थी खबर द न्यूज़ नेक्स्ट की तरफ से। अगर आपको ऐसी खबरों में बने रहना है तो दोस्तों मेक श्योर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।